फ्रेंड्स, जैसा कि आज यूजीसी का एग्ज़ाम छूटा है तो आज हम उसके सेंटर के सामने खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जैसे यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चे अभी निकले हुए हैं, तो उनसे पूछ के बताएंगे कि उनके एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था। खाली नॉर्मल से बता दीजिए। मैम, आपका नाम? तान्या रस्तोगी। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम आज हुआ था, कॉमर्स सब्जेक्ट से थी आप? हाँ, कॉमर्स। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था फिर? नहीं, सेकेंड टाइम। तो क्या चेंजमेंट लिए दिखा या कैसे क्वेश्चन आए थे आपके? चेंजमेंट मॉडरेट था, थोड़ा सा स्टैट्स ज़्यादा आई थी। मैथ्स का एक भी मतलब जितनी उम्मीद थी मैथ्स की आने की, लेकिन मैथ्स नहीं आई थी। DI से क्वेश्चन आए थे और स्टैट्स और इकोनॉमिक्स बहुत भारी पड़ी थी। तो जैसे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है एग्ज़ाम कैसा था? एग्ज़ाम ठीक था, और लेकिन 10 मिनट देर से स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मतलब पैनिक हो गए थे बच्चे। तो क्या टाइमिंग आगे उन्होंने 10 मिनट एक्सटेंड की थी? हाँ, वो टाइमर होता ही है उसमें, तो फिर उसमें एक्सटेंड हो गई थी, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं थी। लेकिन स्टार्टिंग में पैनिक हो गए थे लोग, बच्चे। ठीक था सब। तो मतलब ओवरऑल जो पेपर का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसा था, मॉडरेट था या टफ? मॉडरेट था। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका नाम? दीपांशी रस्तोगी। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम दिया था पेपर? नहीं, थर्ड अटेम्प्ट है। तो जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था इस बार? टफ था पेपर, फर्स्ट का काफ़ी टफ था, सेकंड का तो ठीक था, सेकंड अच्छा आया था। तो जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर भी एग्ज़ाम दे रखे थे, उनके अकॉर्डिंग आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि एग्ज़ाम कैसे थे? मुझे तो सेम एक्सपेक्टेशन लग रही है, प्रीवियस ईयर में भी मेरा 2 मार्क्स से रह गया था पेपर फर्स्ट की वजह से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मुझे लग रहा है इस बार तो हो ही जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार मॉडरेट था? हाँ, ठीक था। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जैसे आपके हिसाब से आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से एग्जाम लेवल क्या है? तो आपने जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे या आपके एग्जाम का लेवल क्या है? तो क्वेश्चन किस में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? रिसर्च तो नहीं पूछा गया था, टीचिंग का लेवल पूछा गया था। तो आपके हिसाब से आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, तो आपके हिसाब से पुराने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कैसे पेपर आए? अच्छे आए थे, इनकम टैक्स से ज़्यादा पूछा गया था, एंड आपके सेक्शन वाइज आए थे एग्जाम, एजुकेशन रीजन ज़्यादा पूछा गया। एजुकेशन रीजन ज़्यादा पूछा गया। जैसे आपके सब्जेक्ट कॉमर्स थे, कॉमर्स किया, कॉमर्स से कैसे क्वेश्चन आए थे, टफ आए थे या मॉडरेट? नहीं, मॉडरेट। मतलब ओवरऑल जो पेपर अगर बात की जाए तो ओवरऑल तो मॉडरेट पेपर था? हाँ, मॉडरेट था। थैंक यू मैम। तो मैम, अरे मैम, खाली बताना है आपको मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतना। मैंने तो बस खाली से बताना कि नॉर्मल था कि बस। हाँ जी, वो जी। जी, आपका नाम? दिव्या गुप्ता। तो जैसे कि आज आपका कौन से सब्जेक्ट का, कॉमर्स का सब्जेक्ट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो आपने पहली बार दिया है जी, तो आपके हिसाब से कैसा था पेपर? पेपर ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ईजी था ना बहुत टफ था, ठीक था। आपके हिसाब से नॉर्मल पेपर जी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने बच्चों से एग्ज़ाम का रिव्यू पूछा, तो उन्होंने बताया, ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि एग्ज़ाम को जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, नॉर्मल आया था पेपर, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है। तो हम इसके रिसर्च में एग्ज़ाम के रिव्यू, बच्चों के रिव्यू लेकर आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।